बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर हैं। लामा की इस यात्रा पर चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। बौखलाया चीन भारत को इस यात्रा की वजह से आपसी संबंध खराब होने की धमकी दे चुका है। अरब गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने चीन को नसीहत दी है। किरण रिजिजू ने चीन को दो टुक सुनाते हुए कहा कि चीन को भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। किरण रिजिजू ने दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश दौरे को पूरी तरीके से धार्मिक करार दिया और कहा, इस यात्रा का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। धर्मगुरु होने के नाते हजारों लोगों की तमन्ना थी और लोगों की भावनाओं को देखते हुए दलाई लामा यहाँ पहुँचे हैं। भारत एक स्वतंत्र देश है और किसी भी धर्मगुरु के आने जाने पर यहाँ कोई रोक नहीं है। किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी बयान दिया और साफ कर दिया कि ये कोई विवादित क्षेत्र नहीं बल्कि भारत का हिस्सा है। रिजिजू ने कहा, ये राज्य विवादित नहीं है। भारत चीन के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता। ऐसे में चीन को भी चाहिए कि वो भारत के मामले में कोई दखल ना दे। दलाई लामा को अरुणाचल में बुलाना भारत का आंतरिक मामला और चीन इसमें दखल देने से बचे। रिजिजू ने आगे कहा, दलाई लामा अरुणाचल के दिल में बसते हैं। सबसे पहले वो अरुणाचल में ही आए थे। 1959 के बाद से अब तक लोग उनकी राह देख रहे हैं। छठे लामा का जन्म तवांग में हुआ था, इसलिए यहाँ के लोग दलाई लामा को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपको बता दें कि खराब मौसम के कारण दलाई लामा को अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा है। उन्हें आज तवांग पहुँचना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वो 6 अप्रैल को तवांग में उपस्थित होंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।